हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट में मोबाइल में जीज पेंट का यूज करके क्राकी का डिजाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने सर्कल टूल लिया है, कलर्स लिया है। यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ किया है, ठीक है, अपने हिसाब से साइज ले लेना। इसके बाद हम यहाँ पर इरेजर टूल्स की हेल्प से इसको इरेज कर देंगे। जो हमारी ये है हाफ सर्कल, इसको इरेज कर दिया, सेलेक्ट किया फिर मैंने। देन इसके बाद हम कॉपी करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करके फिर हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ रख देंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ रख दिया इसको, राइट। अब हम कंप्लीट को सिलेक्ट करेंगे और एडिट में जाके कॉपी, और एडिट में ही जाके पेस्ट, और इमेज में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल में जाके हम यहाँ पर रोटेट बाय 90 डिग्री, और ये देखिए इस तरीके से हम इसको यहाँ पर रख देंगे, राइट, मूव करके। अब कंप्लीट को हम फिर से सिलेक्ट करेंगे, राइट, कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी और पेस्ट, कॉपी और पेस्ट किया मैंने। अब इमेज में जाके फ्लिप एंड रोटेट में फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे एक बार, और एक बार हम फ्लिप वर्टिकल्स करेंगे, ठीक है। एक बार हॉरिजॉन्टल किया मैंने और एक बार वर्टिकल्स किया, राइट। ये देखिए हमारी ये शेप्स बन के आ जाएगी, राइट। इसके बाद हम एक सर्कल लेंगे और यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे, राइट। इसके बाद अपनी पसंद का कोई भी एक कलर हम यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है, अपनी पसंद का कलर। इसके बाद हम यहाँ पर सर्कल टूल अगेन लेंगे और रेड कलर लिया है मैंने। ये देखिए एक यहाँ पर रेड कलर का सर्कल ड्रॉ कर दिया है, राइट। इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर येलो कलर्स लिया है, और येलो कलर्स लेने के बाद सर्कल टूल्स लिया है और एक यहाँ पर छोटा सा सर्कल और ड्रॉ कर दिया, राइट। इसमें हमने येलो कलर कर दिया है, ठीक है, ये हमारी बन के आ गया है। इसके बाद हम जो हमारी ये शेप्स बनी है इसमें हम ये लेंगे शेप टूल, ठीक है, शेप टूल लिया मैंने। इसके बाद हमने शेप टूल्स में ये यहाँ पर हम छोटे छोटे से डॉट दिखा देंगे, राइट, जो भी है हमारा, ये इस तरीके से डॉट दिखा दिए। अब जो हमारा येलो कलर का पोर्शन है इसमें भी डॉट हम दिखा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर डॉट किससे दिखाएंगे, रेड कलर से, राइट। ये देखिए ये हो गया हमारे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एयर ब्रश टूल्स लेंगे, ठीक है, और अपनी पसंद के हिसाब से कलर्स लेके ये देखिए हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रे दिखा देंगे, जिससे हमारी राखी का डिजाइन सुंदर लगने लगे। थोड़ा सा स्प्रे से ये देखिए इस तरीके से स्प्रे हल्का हल्का सा, ये देखिए। अब जो हमारा येलो वाला पॉइंट है यहाँ पर हम रेड कलर का स्प्रे दिखा देंगे, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर सेंटर में येलो कलर है इसमें हम ब्लू कलर्स लेंगे, और ब्लू कलर्स का यहाँ पर एक स्प्रे, ये देखिए थोड़ी देर तक प्रेस रखेंगे, एक बन के आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बन के आ गया हमारा। अब हमें इसको क्या करना है, डोरी बनानी है। डोरी के लिए हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर शेप टूल्स लेंगे और अपने हिसाब से हम यहाँ पर कलर डोरी को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये देखिए डोरी ड्रॉ होगी हमारी। इसके बाद हम जो ब्रश टूल है हमारा एयर ब्रश टूल, इसको लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा इसको डोरी को ये दे थोड़ी देर तक प्रेस रखेंगे, और यहाँ पर ये देखिए थोड़ी सी देर तक इसको प्रेस रखना है तो हमारा एक सर्कल बन के आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए यह हो गया हमारा राखी का डिजाइंस। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंप्लीट जो हमारी ड्राइंग है, ठीक है, कंप्लीट ड्राइंग को हमने सिलेक्ट किया है, थोड़ा सा इसको मूव करके रख देंगे। अब हम एडिट में जाएंगे, कॉपी करेंगे, एडिट में ही जाके पेस्ट कर देंगे, इसे कॉपी पेस्ट किया मैंने, ठीक है। इमेज में जाएंगे, स्टेच एंड स्क्रू के फंक्शंस में जाएंगे, ये हमारा वन ट्वेंटी ओके कर देंगे, ठीक है।
ये देखिए अपने हिसाब से हम साइज को रख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए एक यहाँ पर रख दिया है, ये यहाँ सेट कर देते हैं इसे, ठीक है राइट। अब हम इसमें टेक्स्ट टूल की हेल्प से एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर राखी लिख देंगे, ठीक है राखी। यहाँ पर वो साइज इसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, 12 की जगह जैसे यहाँ पर 30 कर देते हैं या 50 बोल्ड कर देंगे, ठीक है। और इसको अंडरलाइन कर देंगे, अपनी पसंद का कलर सेलेक्ट कर लेंगे राइट। ये देखिए इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट में शेप टूल्स की, टेक्स्ट टूल की और फ्लिप रोटेट फंक्शंस की हेल्प से एक राखी का सुंदर सा डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।